आज हम लोग को इंटरेस्ट यानी ब्याज के बारे में देखना है। ये हम लोग को दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या है जिस पर हम लोग काम करते हैं। आइए हम लोग ब्याज के बारे में जानकारी प्राप्त। आज हम लोग साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसमें होता क्या है, मूलधन क्या है, मूलधन क्या है, मूलधन के बारे में हम लोग को देखना है। वह राशि जो कर्ज के रूप में लिया जाता है उसे मूलधन कहते हैं। मूलधन किसे कहते हैं, वह राशि जो कर्ज के रूप में लिया जाता है उसे मूलधन कहते हैं। दो नंबर पर समय क्या है, कर्ज लेने या समय क्या है, कर्ज लेने या देने वाली अवधि को समय कहते हैं। यानी जिस समय में ब्याज को जिस समय में मूलधन लिया जाता है और ब्याज सहित वापस लौटा दिया जाता है उसको हम लोग समय कहते हैं। ब्याज दर क्या है, जिस दर पर ब्याज लिया जाता है, जिस दर पर जिस दर से ब्याज लिया जाता है उसे ब्याज दर कहा जाता है या कहते हैं। जिस दर से ब्याज लिया जाता है उसे ब्याज दर कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया है ब्याज क्या है, ब्याज क्या है, तो मूलधन के साथ जो राशि वापस किया जाता है उसे ब्याज कहते हैं। ब्याज क्या है, मूलधन के साथ जो राशि वापस किया जाता है उसे ब्याज कहते हैं। तो ये चार गो जो परिभाषाएं हैं इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। मिश्रधन क्या है, ब्याज सहित मूलधन को हम लोग मिश्रधन कहते हैं। देखिए मिश्रधन क्या है, ब्याज सहित मूलधन को मिश्रधन कहते हैं। देखिए आय से इंटरेस्ट जिसको हम लोग ब्याज कहते हैं, पी से प्रिंसिपल जिसको मूलधन कहते हैं, आर से रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको हम लोग ब्याज दर कहते हैं, टी से टाइम जिसको हम लोग समय कहते हैं, और ए से होता है अमाउंट जिसको हम लोग मिश्रधन कहते हैं। आई पी आर टी और ए फिर से एक बार ध्यान रखिएगा, आई से इंटरेस्ट जिसको हम लोग ब्याज कहते हैं, पी से प्रिंसिपल जिसको मूलधन कहते हैं, आर से रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको ब्याज दर कहते हैं, टी से टाइम समय कहते हैं, ए से अमाउंट जिसको हम लोग मिश्रधन कहते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब इस सूत्र हम लोग देखेंगे ब्याज बराबर क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर हम लोग लिखेंगे, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा होता है। सूत्र नंबर एक, सूत्र नंबर दो, अगर हमको मूलधन निकालना है, मूलधन ज्ञात करना है तो हम आसानी से कर सकते हैं। इधर भाग नहीं इधर लाओ तो उड़ा में ब्याज गुणे सौ, ब्याज इधर ब्याज इधर भाग नहीं इधर आएगा तो गुणा में, ये दोनों में दोनों गुणा में है इधर ला के इसको कर दो भाग में, ये हो जाएगा दर गुणे समय, दर गुणे का हो जाएगा समय। अगर आपको निकालना है दर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो दर निकालना है तो हम लोग कर देंगे ब्याज, ये ब्याज इधर भाग में इधर लाओ के गुणा में कर दो तो ब्याज गुणे सौ बाटा हो जाएगा समय और का है मूलधन गुणा में है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे मूलधन गुणे हो जाएगा समय। ये फॉर्मूला तीसरा का हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा दूसरा या तीसरा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे चौथा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला क्या है भाई हम लोग का, तो चौथा फॉर्मूला है समय। समय बराबर हम लोग को क्या होगा, तो समय बराबर अगर निकालेंगे हम लोग तो हो जाएगा ब्याज ब्याज गुणे सौ बटा हो जाएगा मूलधन गुणे
दर हो जाएगा। ये चार फॉर्मूला है और इसी पर आज हम लोग प्रश्न बनाने का क्वेश्चन बनाने का काम करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।